हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। सो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, जो कि मध्य प्रदेश कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो चलिए हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या है क्वालिफिकेशन, कब से अप्लाई होना शुरू होंगे, एग्जाम डेट क्या है, क्या इस बार आपको फिजिकल के नंबर दिए जाएंगे और दिए जाएंगे तो कितने पे कितने नंबर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट है। और इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पास आपका पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिका की सीधी भर्ती चयन परीक्षा 2023 की परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका, ठीक है, रूल बुक की बात कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा। हाँ देखिए यहाँ पास अगर आवेदन भरने की तिथि है आपकी 26/6 से, यानी इसी महीने आपको, आज कौन सी डेट है, 23 तारीख है, 26 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी 10 तारीख तक है, यानी ज़्यादा दिन का नहीं, बिल्कुल 15 दिन का ही डेट दिया। 15 क्या, 26 से 10 कितना हो रहा है, बहुत ही कम दिन का दिया, 14-15 दिन मान लीजिए, ठीक है, इतने दिन में आपको फॉर्म भरना। और यहीं अगर कोई भी आपसे गलती होती है, फॉर्म भरने में त्रुटि हो जाती है, तो उसकी भी डेट दी है 26/6 से लेके 15/7 तक, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जिन बच्चों का जैसे गलतियाँ हो जाए तो 26/6 से आपकी लिंक ओपन नहीं होती करेक्शन होने की, 2-4-5 दिन बाद से होती है, तो उस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा कि कई लोग हो जाते तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं अगर गलतियाँ हो गई। तो ये बस परीक्षा की दिनांक भी दे दी है 12/8 से, देखिए 12/8 से परीक्षा की। तो जिन भी बच्चों को अप्लाई करना है उनको पढ़ाई आज से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इन्होंने समय बिल्कुल नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। देखिए अगला महीना एक मान लीजिए, 12 दिन उधर हैं और 8 दिन इधर मान लीजिए, लगभग आपका 20 दिन, 20 दिन प्लस एक महीना 20 दिन आपके पास टाइम है। तो जितना ज़्यादा आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे उतने दिन उठा लेंगे, बच्चों की तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि कंटिन्यू मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ठीक रहेगा आपके लिए। देखिए एक चीज़ और यहाँ पास शुल्क की बात कर लेंगे, अनारक्षित अभ्यर्थी जो होंगे उनके लिए आपकी शुल्क 500 होगी, और MP के जो भी रिजर्व कैंडिडेट है, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, OBC और EWS इकोनॉमिकल वीगल सेक्शन जो होगा उनके लिए यह होगी 250 रुपये। हाँ MP के लोगों की होगी, बाकी जो नेशनल लोगों की EWS OBC उनके लिए 500 ही लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ठीक है, परीक्षा की डेट आप देख ही लिए हैं पहले टेस्ट में ही, 12/8 से शुरू होगी, मॉर्निंग यानी कि 2 शिफ्टों में पेपर होने वाला है, 2 शिफ्टों में होगा नॉर्मल, और जिन्होंने भी रेडियो ऑपरेटर का डालेगा उनके 2 पेपर होंगे, क्योंकि 2 वैकेंसी है, रेडियो ऑपरेटर नॉर्मल पुलिस, ठीक है, रेडियो ऑपरेटर वाला जो होगा उसके 2 वैकेंसी, पहला पेपर देना अनिवार्य होगा और दूसरा पेपर जो इसका टेक्निकल पेपर होगा, इन दोनों यानी कि इनका 200 का पेपर होने वाला है रेडियो ऑपरेटर का, और प्लस आपका फिजिकल। देन आप देख लीजिए रिजर्वेशन कैसे क्या दिया है, आरक्षक ड्यूटी GD की बात करें तो देखो यहाँ पास टोटल वैकेंसी का आपका दिया 7090 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पास देख सकते हैं UR की 1040 है, OBC की भी 1040, SC की 616, ST की 771, EWS की 334 है, ठीक है, टोटल यहाँ पास 3851 है, ये ओपन वैकेंसी की बात की। उसके बाद देखिए यहाँ पास सब दिया हुआ आपका रिजर्व के लिए, जैसे फीमेल के लिए 30% रिजर्व, HG के लिए 15%, एक सर्विस मैन जो होंगे 10% है, तो ये 3 रिजर्व आपको कैंडिडेट मिलेंगे, ठीक है। देन आपका देखिए आरक्षक समान ड्यूटी जनरल विशेष बोल बल की बात करेंगे तो यहाँ पास उनका वैकेंसी का पूरा डिटेल दिया हुआ है। देन आपको यहाँ पर आरक्षक समान ड्यूटी वाले की देखिए 4444 वैकेंसी है, यहाँ पास देखिए रेडियो ऑपरेटर की बात 321, टोटल वैकेंसी 321 है अगर बात करेंगे तो, यहाँ पास ओपन में 49 है, OBC की 49 है, SC की 29 है, ये ओपन वैकेंसी है, महिलाओं के लिए अलग से दिया हुआ है, ST के लिए 37 है, EWS के लिए 18 वैकेंसी है। देन बाकी देखिए देख लीजिएगा कौन कौन सी, एक सर्विस मैन एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व में कितनी वैकेंसी है, आप सब इस चीज को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पास वेतन मान पुराना ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, 19,500 से 62,000 तक है, और इसका जो प्रोफॉर्मा है आपको सैलरी मिलने का वो भी पुराना ही है, जब से कांग्रेस सरकार ने लाया था वही अभी है, ये जो 70-80-90% वाला। तो देखिए प्रथम वर्ष में आपको जो भी न्यूनतम वेतन का 70% होगा, द्वितीय वर्ष में आपका 80, तृतीय में आपको 90 मिलता है, और चौथे के बाद 14 साल के आपको पूरा मिलने पर मिलता है।
इसमें हालांकि इस समय शायद 38% आपको डीए मिल रहा है, तो 19,000 प्लस 38% निकाल के 19,000 का, और ये 70% अपना ईयर बाई ईयर आप सैलरी भी निकाल सकते हैं कि कितनी आपकी सैलरी बन रही है। देने की पेपर की योजना के बारे, प्रथम चरण लिखित परीक्षा, प्रथम चरण जो होगा आपका लिखित परीक्षा होने वाली है, बहुविकल्पी होंगे, हैंडेड, देखो हैंडेड होंगे। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा, केवल तकनीकी, देखिए सेकंड वाला जो होगा वो तकनीकी के लिए होने वाला है, इस बात को भी समझ लिए। दो पेपर होने हैं, जो कि आप रेडियो ऑपरेटर वाले के लिए दोनों पेपर होंगे, दो पेपर होंगे, और जो अगर नॉर्मल पुलिस कॉन्स्टेबल का जो होगा उसके लिए सिर्फ पेपर वन ही होगा, ठीक है। देखिए द्वितीय चरण जो आपका होगा दक्षता होगा, तो ये चीज से आप कंफर्म हो जाइए कि आपके फिजिकल पहले नहीं होगा, तो फिजिकल के लिए आपको 4 से 5 महीना है, 4 से 5 महीना मान के चलिए कि भी 2 में 1.5 महीने बाद आप एग्जाम है, उससे 2 महीने बाद आपका मान लीजिए कि आपका रिजल्ट आया, 2 महीने मिनिमम मान लीजिए, और फिर से 1-2 महीने बाद आपका फिजिकल ही होगा, तो 4 से 5 महीने आप इसको मान के चलिए अभी से कीजिए, क्योंकि नंबर अच्छे खासे मिलना है फिजिकल के लिए। ये आप देख सकते हैं इसका जो भी है सब्जेक्ट कौन कौन से है, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान जो होगा आप 40 अंक का होता है, 30 अंक आपका बौद्धिक क्षमता मानसिक रुचि होती है, और विज्ञान प्लस सरल अंक जो होगा वो आपका 30 अंक का होगा, और इसके लिए हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करा देंगे कि आपको समझ में आए कि हाँ ये कैसे पेपर पूछा जाता है। देन देखिए यहाँ पास आपको कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उन पैरामीटर्स को आप देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो ये भी है 168 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। देन सेना पुलिस वालों के पुलिस वर्ग पुरुष वर्ग के लोगों के लिए होगा 79 सेंटीमीटर एंड 84 नाइन, यानी कि ये बिना फुलाए और ये फुलाए। यहाँ पास देखिए और भी कुछ जनजातियाँ हैं जो एरिया बाई एरिया है, उनके लिए आपको आरक्षण दिया हुआ है, जैसे गोरखा हो गया, गढ़वाली हो गया, कुमाऊँ, इन सब के लिए पुरुष वर्ग के लोगों को दिया हुआ 157 दिया हुआ हाइट, 79 इसका जो सीना दिया हुआ फुलाने के बाद 84 है। ये देखिए मराठास को भी दिया गया है, इनको रिजर्वेशन इस बार दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, इन पुरुष वर्गों के लिए दिया हुआ है 165 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया, तो ईडब्ल्यूएस को समझ लीजिएगा इसी श्रेणी में आने वाला अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस का यही रहने वाला है, इससे कम इनका पैरामीटर्स नहीं लेंगे, 79 हो जाएगा इनका बिना फुलाए सीना और 84 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास नंबर कैसे दिए जाएंगे, फिजिकल के नंबर कैसे, देखिए फिजिकल के नंबर आपको 100 नंबर है, 100 नंबर का पेपर है और फिजिकल भी आपका 100 नंबर है, ठीक है। फिजिकल आपका 100 नंबर का होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करें, अभी से शुरू करिए, आप 1 घंटा डेली फिजिकल को देना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पास नंबर की बात की है, देखो 0 नंबर से लेके आपको 40 नंबर तक आपको हाइट के, सॉरी रनिंग के लिए आपको 40 नंबर तक का मिलेगा, 40 नंबर तक आपको रनिंग का मिलेगा, कितने से 0 से लेके। और यहाँ पास देखिए सेकंड की बात की, जब आप 198 सेकंड यानी बहुत ही ज़्यादा होता आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलने वाले, 0 नंबर मिलेंगे। यदि 196 से 198 के बीच में आप रहे तो 1 नंबर मिलेगा, बाकी देखिए आप पढ़ सकते हैं। ये तो हालांकि बहुत ही कमज़ोर बच्चा जो होगा जिनकी फिजिकल वीक होगी वो ये सब लाएंगे। और देखिए यहाँ पास एक मिनट, नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ कि देखिए 30 नंबर, यदि आप 141 सेकंड से 143 सेकंड के बीच में हैं तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। देन आपको फिजिकल में अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। फुल नंबर कब मिलेंगे, जब आप 124 सेकंड से कम सेकंड ले रहे, टाइम ले रहे, 124.2 सेकंड से कम समय लेंगे तो आपको 40 में 40 मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए अधिकतम 40 दिया हुआ है, यहाँ 40 भी दिया, 126 से कम और 124.2 तक, इतना अगर आप करेंगे तो आपको 40 में 40 मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चा आपका 30 नंबर तक ला सकता है, अगर अच्छा बच्चा है। कुछ ही जो आर्मी वर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात अलग है कि वो आप पूरे में 30 से 40 के बीच में ला सकते हैं, पर नॉर्मल जो होगा आप पिछली तैयारी पुलिस वुलिस की किए हुए हैं तो वो 2:25, 2:28, 2:30 तक में कर ले जाता है, 28-30 तक में, तो उनको कम से कम 30 नंबर तक मिल जाएंगे। देन देखिए आप लंबी कूद का भी दिया हुआ है, देखिए ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं पुलिस कॉन्स्टेबल के, रेडियो ऑपरेटर का अलग से है, उसका सब कुछ अलग से दिया हुआ है, ठीक है। महिलाओं का भी सबसे अलग है, सब अलग है। तो यहाँ पर देखिए लंबी कूद की बात करेंगे, 2.96 मीटर से कम, बिल्कुल कम है तो कुछ भी नंबर नहीं मिले। गोला फेंक भी देख लेते हैं, 3.83 से कम है तो आप गोला फेंक में भी 0 नंबर है। यहाँ पर देखिए फिर हर एक का दिया हुआ है, तो आप इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। फिर इसमें मैक्सिमम देखते हैं कब है, इसमें मैक्सिमम क्या है, 5.5 मीटर से
अधिक कर रहे हैं, 5.57 मीटर से आपकी जंप अधिक है तो आपको 30 नंबर मिल सकते हैं मैक्सिमम। इसमें 8.76 मीटर से तो आपको मिलेंगे 30 नंबर, यानी कि देखिए 40 नंबर आपका रनिंग का है, 30 नंबर आपकी लंबी कूद का है और 30 नंबर जो है आपका गोला फेंक का है। तो देखिए और भी चीज़ें नहीं ऐड की गई, कई लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर ऊंची कूद भी जंप ऐड की जाएगी, पर उस ऊंची कूद को ऐड नहीं किया, तो 3 ही पुराना ही फिजिकल है, बस उसके नंबर ऐड कर दिए गए हैं। तो इसके लिए हम अलग से भी सीरीज स्टार्ट भी कर रहे हैं, यदि जिन बच्चों को तैयारी करनी हो, इस चीज़ की तैयारी करनी हो तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस, हाँ हम सोच रहे हैं मैथ के लिए आपको एक प्रॉपर क्लास दे मैथ की, जो यानी कि आपको बेसिक से लेके मैक्सिमम तक हर टॉपिक जो भी पुलिस में एमपी कॉन्स्टेबल में आते हैं उन सब टॉपिक्स को कवर करें। हालांकि समय बहुत कम है तो सारे टॉपिक्स तो क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, कि कोई भी क्लास लेंगे तो 1 घंटे से ज़्यादा क्लास होगी नहीं, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपका पेपर होने तक सब कुछ क्लियर हो जाए। मैथ आपका मैं करा ही दूँ, रीजनिंग और जीके के लिए क्वेश्चन पेपर आप कीजिएगा। देखिए अभी इस समय जो पैटर्न चल रहा है व्यापम का, उसी पैटर्न के हिसाब से आप जीके क्वेश्चन पढ़िएगा, जितने भी हैं साइंस जीके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाला है, क्योंकि जो भी एजेंसी ली हुई है वो आपको लास्ट तक ही पेपर कराएगी। ये जो जितने भी पेपर होंगे उसको एक ही एजेंसी कराएगी 2023 का, 2024 में अलग एजेंसी आ सकती है, लेकिन अभी एजेंसी का जो भी इसका पैटर्न है, माइंड सेट है, उस चीज़ को आप पकड़िए, या फिर उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस किस टॉपिक में ये फोकस कर रही है। जीके की ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 6-7 टॉपिक्स पकड़ा हुआ है, चाहे वो आपका देख लीजिए पटवारी का देख लीजिए, पुनरक्षक आपका कंप्लीट हो चुका है, ये सब चीज़ों को ये 5-6 टॉपिक ही जीके को लेके चला हुआ है। एमपी ज़्यादा फोकस नहीं किया हुआ, 2-4 टॉपिक है, तो एमपी ज़्यादा फोकस आप भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है, पर इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा उसके बारे में बता देंगे। साथ ही ग्रुप डी का जो मध्य प्रदेश का पेपर होना है अगले महीने, उसकी भी हम मैथ और इस हिंदी की क्लास करा रहे हैं, तो जो बच्चे अगर उनकी भी तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू।